खबर सीहोर जिले के बुधनी से है, जहां मुहकला ग्राम पंचायत के जल स्रोतों में बदबूदार और केमिकल पानी आने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत महुकला में हैंडपंप और अन्य जल स्रोतों से गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। जब इस पानी को ग्रामीण बर्तन में भरने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय बाद पानी का रंग पीला हो जाता है। साथ ही इस पानी के पीने से ग्रामीणों के गले में खराश और अन्य बीमारियां सामने आ रही हैं। दरअसल ग्राम पंचायत महुकला के पास ही एक केमिकल फैक्ट्री स्थित है, जिसका केमिकल हैंडपंप और कुएं में मिलता जा रहा है और इसके इस्तेमाल से लगातार ग्रामीणों में बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी अपने घर लाकर परिवार की प्यास बुझा रहे हैं। ये पानी की समस्या ये है कि उसमें ट्राइडेंट में जो पानी उनने तालाब बना हुआ है उसमें से पानी रिसके आ रहा है इधर, तो वो गड्ढे में से पानी इधर हैंडपम्प में ट्यूबवेल में आता है और लोग बीमार होते हैं। उसकी यही समस्या है। मिलता है वो क्या, कभी जभी है नहीं, बहुत कम, 1-1.5 महीने से बंद है तो पानी मिल नहीं रहा है। तो अभी कहाँ से ला रहे हैं पानी? अभी तो हम महुकला से भर के लाते हैं पीने के लिए। तो ये पंचायत में पानी गड़बड़ा रहा है, पानी में जैसे रखा है तो उसमें तेल जैसा तीर रहा है, केमिकल जैसा दिखता है, जैसे हरा पीला झिलमिल झिलमिल होता है और गिलास चौक के निकालो तो गिलास में जम जाता है और बहुत गंदी वास आती है। तो ये पानी नहीं सुधरेगा तो समस्या तो हल ही नहीं हो पाएगी और सब लोग बीमार होंगे, तो इसका क्या करें फिर हम सर? इसकी शिकायत करी, बोतल भर के पानी भिजाया, ट्राइडेंट में भिजाया और कहीं तो नहीं ट्राइडेंट भिजाया, तो वहाँ से पता चला है कि उसमें केमिकल की मात्रा है थोड़ी बहुत, लगभग ऐसे बोल रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत समस्या नहीं है, ये तो वो उनकी बात छुपाने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन ये समस्या बड़ी है कि उसमें कुछ ज्यादा ही आ गया है केमिकल। द्वारा ही मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया है और इसको मेरे संज्ञान में आने के बाद मेरे द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। संबंधित विभाग से इसका पानी के टेस्ट कराई जा रही, टेस्ट में जहरीले तक पाए जाते हैं तो कंपनी के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि वहाँ पानी की समस्या और PHE के द्वारा जो टंकी बनाई गई उससे सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं अभी PHE विभाग को निर्देश दे रहा हूँ कि जो विधिवत सप्लाई करें और अगर सप्लाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या सप्लाई नहीं करने के क्या कारण है वो बताए जाएँ। कम से कम लगभग 7-8 महीना हो गए इसको, हमारे यहाँ का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उससे पीने से हमको नुकसान है। क्या कारण है? पानी की बदबू आती है, पानी से कंपनी ट्राइडेंट के अंदर एक जो तालाब बना रखा हुआ है उस तालाब के कारण पानी जमीन के नीचे हुए और हमारे हैंडपम्प बोर का पानी सब खराब है। ये इससे कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही। आज 6 महीना है, महीने में अगर 2 दिन चल गई, 1 महीना में अगर 15-10 दिन तो कभी नहीं चल पाई ये पानी की टंकी।